हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभिजीत एंड यू वाचिंग कोडिंग फॉर ऑल बाय न्यूटन स्कूल। एंड आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम जैंगो के अंदर किसी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड अगर कोई डेटा है हमारे पास देन उस एक्सेल को कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि कैसे, लाइक हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस है एंड उसमें बहुत सारा डेटा लाइक भरा हुआ है। ठीक है, देन उस पर्टिकुलर डेटा को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी लाइक एक्सेल फाइल में, ताकि उन डेटा को प्रोसेस कर पाएँ। क्योंकि कई बार होता है, जैसे जब हम जैंगो के अंदर कोई एडमिन पैनल बनाते हैं या फिर कोई भी फंक्शनैलिटी बनाते हैं या फिर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो हमें वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो प्रोसेस हो चुके हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी एक एक्सेल शीट को तैयार करना होता है। तो फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस एक्सेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस एक्सेल फाइल को, और बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड मैंने कि ऑलरेडी पहले से ही कि प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था टू डू का, इसी प्रोजेक्ट मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके अंदर एक ऐप बना लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप करके। एंड इस पर्टिकुलर ऐप का नाम दे देते हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं, लाइक एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। ठीक है, या फिर कुछ भी लाइक दे सकते हैं, डेमो करके दे देते हैं। ये हमारा एक लाइक डेमो ऐप बन के तैयार हो चुका है। एंड इस पर्टिकुलर ऐप को चलते हैं हम सेटिंग्स डॉट पी वाई में ऐड करते हैं। ठीक है, एंड सेटिंग्स डॉट पी वाई में ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डेमो। ठीक है, अब उसके बाद में हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी पांडास करके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाईपाई पांडास। लाइक पाईपाई एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम जैंगो के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, देन उसी से हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, पे इंस्टॉल पांडास करके, एंड ये लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तब तक मैं देख लेता हूँ, एक बार आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी लगभग 10 MB की है, देन इसको इंस्टॉल हो देने दो। तब तक हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, मॉडल बना लेते हैं, तो क्लास लाइक कर देते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, एंड ये डेफिनेटली मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करेगा, मॉडल्स डॉट मॉडल। ओके, उसके बाद एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, एम्प्लॉय एंड इसको नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ओके, पैक्स लेंथ ऑफ 100। उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स अंडरस्कोर लेंथ ऑफ 100 एंड एम्प्लॉय ऑफ अंडरस्कोर एड्रेस करके। ठीक है, देन ये हमारी कुछ तीन नंबर ऑफ फील्ड्स रहेंगी, एड्रेस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है तो इसमें हम 500 लिख देंगे। तो ये हमारी तीन फील्ड हो गई। अब इन पर्टिकुलर फील्ड को माइग्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम एक फेकर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जो कि हमें लाइक फेक डेटा जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो पाई फेकर करते हैं। ओके, एंड इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। एंड ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ओके, सो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी चलना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं फेकर पाइथन। ओके, तो इसमें एक लाइक हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेमो की जगह पे, एक ऐसे सीड डॉट पी वाई करके। लाइक ये फंक्शन क्या करेगा कि ये जो टेबल है उसको क्या करेगा, सीड कर देगा। ठीक है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय एंड डेफ सीड अंडरस्कोर डीबी, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमें देने पड़ेंगे एन। उसके बाद फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to n। ठीक है, और एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, इसमें वो चीज़ें हमें पास करनी पड़ेगी। उससे पहले हमें फेकर लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लाइक यूज़ करने से पहले हमें इसमें फेकर का इंस्टेंस बनाना पड़ता है इस तरीके का। ठीक है, सो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। देन इसके बाद इसमें कुछ नंबर ऑफ फील्ड्स रहती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट एड्रेस। ओके, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद लाइक एम्प्लॉय के फेक नेम को जनरेट करने के लिए हमारे पास होता है क्या, फेक डॉट नेम। ओके, कॉन्टैक्ट के लिए होता है, लाइक यहाँ पे याद हो चुका है। अब हम करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस।
ओके तो लाइक जो हमारी मॉडल बनाया था वो क्रिएट हो जाएगा एंड इसको करेंगे माइग्रेट एंड अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि कुछ डेमो डेटा हमें दे दे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल में चलते हैं एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए लिखना पड़ेगा फ्रॉम डेमो, लिखना पड़ेगा क्या फ्रॉम डेमो डॉट सीड इम्पोर्ट ऑल, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा आ चुका है एंड सी डी बी करके कॉल करेंगे और इसमें फर्स्ट 10 पास करते हैं पहले। ओके सो 10 लोगों का डेटा क्रिएट हो चुका है। अब हम चाहते हैं लाइक 50 ऑल का क्रिएट करना, तो ये 50 ऑल लोगों का डेटा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं अपने व्यूज में। व्यूज में चलने के बाद में एक फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट डेटा टू एक्सेल, ओके। एंड ये रिक्वेस्ट लेगा, फिर उसके बाद में पहले तो हम ओबीजेस लेके आ जाएंगे सारे, तो उस ओबीजेस आ गए। उसके बाद हमें इस पर्टिकुलर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें हमारा डेटा स्टोर है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे ऑल या फिर एम्प्लॉय को एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल ताकि सारे ऑब्जेक्ट आ जाए। एंड नाउ अब हम इसमें लाइक जो हमने पांडास लाइब्रेरी बनाई इम्पोर्ट लाइक इंस्टॉल करी थी उसे हम इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, बस एक फंक्शन होता है पांडा में पीडी डॉट डाटा फ्रेम। उसके बाद में इसमें जो भी लिस्ट आएंगे ओबीजेस को हम पास कर देंगे डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल। उसके बाद में फाइल का जो नाम दे देंगे, तो फाइल का नाम लिख देते हैं आउटपुट डॉट एक्सेल एस एक्स करके एंड यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्या जेसन, एक सेकेंड जेसन रिस्पॉन्स को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जांगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्स, ओके। एंड यहाँ पे स्टेटस टू रिटर्न करवा देंगे। स्टेटस ऑफ 200, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें एक जगह पे लाइक ऐड करना पड़ेगा। सो चलते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इन फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट हटा देते हैं पाथ, ओके। सो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम डेमो डॉट इम्पोर्ट ऑल। तो अब एक बार सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर एंड चलते हैं इस वाले पर्टिकुलर राउट को एक्सेस करते हैं 1-to-1 राउट को एक्सेस करते हैं, रीलोड करते हैं एंड हमें यहाँ पे एक फाइल मिल गई होगी आउटपुट डॉट एक्सेल करके। इसमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वन हमने एक गलती ये कर दी, हमें लाइक डेटा को जो है इसमें एज अ डायरेक्ट नहीं पास करना पड़ेगा, इसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क में सीरियलाइजर होता है, या फिर एक काम करते हैं सीरियलाइजर ना यूज़ करिए क्योंकि कई लोगों को जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अभी। तो फिर क्या करते हैं खुद का एक कस्टम ले सकते हैं, ठीक है। सो डेटा एक लिस्ट बनाते हैं, ओके। सो डेटा हमारी लिस्ट हो गई एंड यहाँ पे करेंगे फॉर ओबीजे इन ओबीजेस और डेटा डॉट अपेंड करेंगे क्या जो भी इसमें डेटा हमें जिसका जिसका जिसको जिसको भी एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होगा। एम्प्लॉय ने कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एड्रेस, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं ये चीज़ें एंड इनको डबल कोट्स में फिर लिखते हैं ओबीजे डॉट ये, ठीक है। और तब ये क्या हो गया हमारा जो लाइक डेटा है वो सीरियलाइज हो चुका है एंड यहाँ पे अब हम डेटा पास कर देंगे, ठीक है। एंड अब एक बार क्या करते हैं, एक बार पर्टिकुलर राउट को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं एंड परमिशन डिनाइड, अच्छा इसको फाइल को हमने ओपन करके रखा हुआ है इसको खोलते हैं, ठीक है। एंड अब एक बार इसको ओपन करके देखते हैं, देन अब देख पा रहे होगे कि जो जो भी डेटा हमने एम्प्लॉय का डाला था लाइक एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट हो गया एंड एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, ये आपका आ रहा है सीधे सीधे पूरा पूरा एक्सेल में आ रहा होगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, जैसे इस डेटा को हमने एक्सपोर्ट किया है, इसी तरीके का एक फंक्शन बनाते हैं जो डेटा को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डेफ इंपोर्ट डेटा टू, सॉरी इंपोर्ट डेटा टू अंडरस्कोर डीबी एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे मैं फाइल को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल टू व्हाट पोस्ट, अगर मेथड पोस्ट है देन उसके बाद फाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑफ फाइल्स, देन ये हमें फाइल मिल जाएगी। उसके बाद में इस फाइल को हमें एक मॉडल में स्टोर भी करना पड़ेगा, ओके। सो उसके लिए हम एक मॉडल बनाएंगे क्लास एक्सेल फाइल करके, जो फिर जो कि लाइक इस हैंडलिंग को कर लेगी। एंड फाइल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड, ठीक है, फाइल फील्ड अपलोड टू एक्सेल, ठीक है। अभी हमारी फाइल बन चुकी है, अब उसके बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम माइग्रेट करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ओके। एंड फिर से पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। सो ये मॉडल हमारा बन चुका है, अब बस हमें करना क्या होगा, एक्सेल फाइल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो अब यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल फाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड फाइल इज इक्वल टू फाइल, ठीक है। अब ये हमें फाइल दे देगा और उसके बाद में यहाँ से हम पाथ निकाल लेंगे फाइल का, पाथ इज इक्वल टू फाइल डॉट फाइल करके ये हमें फाइल दे देगा, फाइल का पाथ दे देगा, एब्सोल्यूट पाथ दे देगा। एंड इसमें हमें बेस डायरेक्टरी को ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेटिंग्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स। एंड अब हम यहाँ पे इसे इम्पोर्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक पहले रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट होम डॉट एच टी एम एल, ओके, या फिर एक्सेल डॉट एच टी एम एल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले ये मैच कर जाए। नाउ लेट्स अगेन गो टू द यू आर एल डॉट पी वाई देन ऐड दिस पर्टिकुलर राउट, ओके। सो गो टू पाथ ऑफ दिस वन एंड दिस वन, ओके, एंड लेट्स क्रिएट वन टेम्पलेट्स ओवर हियर and excel dot html and html, okay, so form method equal to post and don't forget to add ink type multi part form data, otherwise like import karne mein dikkat aa sakti hai, import type file and file and uske baad required, okay, and name is equal to file button type submit, ठीक है। so अब चलते हैं इस particular route को एक बार open करके देखते हैं, run server, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलते हैं एक बार यहाँ पे न्यूटन स्कूल रेस्क्यू आउटपुट सबमिट किया, बैड CSRF को ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जैंगो में CSRF के बिना कुछ नहीं होता है अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। CSRF underscore token अगेन बैक और यहाँ पे जाएंगे आउटपुट फाइल्स होगा, एक बार फिर से करना पड़ेगा आउटपुट सबमिट किया और डेफिनेटली यहाँ पे पाथ अगर हमने प्रिंट किया होता तो पाथ हमारा प्रिंट हो जाता है। एक बार चलते हैं पाथ को प्रिंट करा के देखते हैं, है ना, कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमारा जो फाइल है वो लैंड अप कर रहा है, ओके। सो प्रिंट सेटिंग्स डॉट
base dir plus path. ये एक्चुअली हमारा पाथ प्रिंट होकर के आया है. ई न्यूटन स्कूल रेस्ट्यूट प्लस ऑफ, ये हमें हटाना पड़ेगा. ठीक है एक्सेल, ये हमारा पूरा एग्जैक्ट पाथ होकर प्रिंट होकर के आया हुआ है. एंड अब हम इस पर्टिकुलर पाथ में इम्पोर्ट करेंगे एक्सेल को. ठीक है सो इम्पोर्ट करने के लिए अगेन एक्सेल में हमें पांडास को यूज़ करना पड़ेगा. तो पांडास को लाइक हमने पहले से इम्पोर्ट करके रखा हुआ है. अब इसका लॉजिक लिखते हैं. तो उसका लॉजिक ये रहेगा फिर डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड एक्सेल करके एक फंक्शन होता है एंड उसके अंदर हमें बस इस पाथ को पास करना पड़ेगा एंड प्रिंट कर लेंगे क्या डी एफ को. ठीक है अब क्या करते हैं एक बार फाइल को इम्पोर्ट करते हैं. यहाँ पे ये रहा एक्सेल फाइल और इसको हमने इम्पोर्ट कर दिया. P is not defined. Name P is not defined. कहाँ पे? Name P is not defined. P तो हमने कहीं लिखा भी नहीं है. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. ठीक है ठीक है तो अब आप देख पा रहे होगे कि पूरा का पूरा जो एक्सेल है वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है. अब हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं फॉर लूप लगा सकते हैं. सो फॉर डी इन डी एफ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉर डी इन डी एफ डॉट वैल्यूज एंड प्रिंट करवा देंगे डी को. तो चलते हैं एक बार एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है ये रहा इसको किया सबमिट एंड अब आप देख पा रहे हो कि जो भी डेटा था वो उसका आ चुका है. बस अब हमें करना क्या होगा वैसे ही सेम टू सेम जैसे हमने सीट डॉट डी बी में किया था एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी. क्या एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एंड इसमें सारे के सारे वैल्यूज को पास करना होगा ताकि जो भी डेटा है वो इम्पोर्ट हो जाए सक्सेसफुली. सो आई होप लाइक ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फंक्शनैलिटी समझ में आया होगा. एंड अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड वन मोर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक रह गई थी जिसको मैं लास्ट में कवर अप करना चाहता था न्यूटन स्कूल. जिन न्यूटन स्कूल की वजह से ही मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि न्यूटन स्कूल पे ही उन्हीं के ऑफिशियल चैनल पे आप ये वीडियोस देख रहे हैं एंड अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं. तो उसी चीज़ को लेकर के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं. न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है. इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती जब तक आपकी जॉब ना लग जाए. एंड बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज हैं टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से आपको रिक्रूट करती हैं लाइक थॉटवर्क जोमैटो शाओमी बाइजू एंड अकेडमी बहुत टॉप नॉच कंपनीज हैं. एंड यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइव क्लासेस मिलती है इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं पर्सनल मेंटरिंग मिलती है. एंड अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आप टेक वर्ल्ड में एक अच्छा नाम कमा पाए एंड अच्छे एक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाए देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. बस आपको न्यूटन स्कूल डॉट को वेबसाइट पे आना है यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है. आर न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट विल कॉल यू बैक एंड रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज. And that's it for the videos. Meet you in the next video. Goodbye. Thank you.